वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से माता सावित्री किचन में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इंस्टेंट मावा से मोदक बनाया है, जो घर में इजीली अवेलेबल चीजों से मैंने मोदक बनाया है। गणेश चतुर्थी भी आ गई है, गणेश चतुर्थी में मोदक बना के हम गणेश भगवान को भोग लगाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मोदक कई तरीके से बनता है, लेकिन मैंने घर में आसानी से मिलने वाली चीजों से मोदक बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे कभी भी बना सकती हैं। 5 से 10 मिनट लगेगा, ये बन के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स तो चलते हैं, हम मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मोदक बनाने के लिए मैंने 1 कप दूध ले लिया है। दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है मैंने। दूध में उबाली आने का इंतजार करेंगे हम। दूध में उबाली आने वाली है, देखिए हल्का हल्का दूध बॉयल हो रहा है। दूध आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, गाय का हो, भैंस का, फुल फैट मिल्क हो, कोई सा भी दूध ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं ये कुछ केसर के धागे डाल रही हूँ। केसर के धागे डालने से फ्रेंड्स कलर भी इसमें आ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और ये देखिए, मैंने 4 से 5 टेबलस्पून चीनी लिया है। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। आप यहाँ पे शुगर पाउडर भी यूज कर सकते हैं, मैंने चीनी यूज किया है। चीनी मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। केसर की वजह से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और बहुत अच्छा कलर आ गया है दूध में। अगर आपके पास केसर अवेलेबल नहीं हो तो आप येलो फूड कलर ले लीजिए या फिर टर्मरिक पाउडर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, टर्मरिक पाउडर हम व्रत में नहीं खाते हैं, येलो फूड कलर ही प्रेफर करिए। इसके बाद मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स चीनी मैंने कम यूज की है, क्योंकि मिल्क पाउडर ऐसे ही पहले ही मीठा होता है। एक तरफ डालेंगे और एक तरफ से मिलाते जाएंगे। ये 1 कप के करीब मैंने मिल्क पाउडर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे और इसको इस दूध को हम जला देंगे। फ्रेंड्स इससे हम मोदक बना रहे हैं। मोदक गणेश भगवान को बहुत प्रिय है और मोदक बहुत तरह से बनाया जाता है। मेन तो चावल के आटे से बनता है, उसमें फिलिंग डाल के। लेकिन आज मैं मिल्क पाउडर से इंस्टेंट बनाना बता रही हूँ मोदक, और वो भी विदाउट मोल्ड। कैसे बनाएंगे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे, ताकि नीचे पकड़े नहीं। बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर। इसको थोड़ा और सुखाएंगे हम, बिल्कुल इसको सुखा देंगे। फ्रेंड्स मोदक बहुत ही टेस्टी लगता है और गणेश भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। गणेश चतुर्थी भी आ गई है नजदीक, आप इसे मेरे साथ अपने घर में जरूर बनाइएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो थम्स अप का बटन दबाइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये देखिए, 4 से 5 मिनट मुझे लगे इस मिक्सचर को तैयार करने में। हल्की सी कसर और है। फ्रेंड्स मिक्सर बिल्कुल तैयार है, अब इंडक्शन बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं रूम टेम्परेचर तक। ये देखिए, मिक्सचर मोदक का मिक्सर बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब क्या करेंगे हम, हल्का सा हाथों पे घी लगाएंगे ताकि हमारे हाथों पे चिपक ना पाए। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हम, थोड़ा सा ये मिक्सर लेंगे और इसको हम सेप देंगे। ये देखिए ऐसे मोदक का। फ्रेंड्स मोल्ड से तो ये बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है, लेकिन हम विदाउट मोल्ड बना रहे हैं क्योंकि हर किसी के पास मोल्ड अवेलेबल नहीं है। मोदक का शेप हमने दे दिया है। अब आप कोई सा भी टूथपिक ले लीजिए या फिर चाकू, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बस उससे ऐसे करके हम प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके हम उसको प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए बन गया ना बिल्कुल मोदक की तरह। अब ऐसे ही बाकी के मोदक भी बना लेते हैं हम। अब देखिए, ये मेरे पास चाकू है, मैं चाकू से कैसे बनाना है ये बता देती हूँ। ये देखिए, ऐसे हल्के हाथों से प्रेस कीजिए चारों तरफ से, इससे भी बहुत ही बढ़िया शेप आएगा। ये देखिए बन गया ना। अब ऐसे ही मोदक सारे बना लेती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इंस्टेंट मोदक बन के तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, इंस्टेंट मोदक बन के तैयार है। आप इसे चाहे तो मार्केट से मावा खरीद के भी बना सकते हैं। घर में आसानी से मिलने वाली चीजों से बनाया है मोदक,
इसे फ्रेंड्स बना के घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।